बाणी ये गल समझाउंदी है, जो कुछ भी चाहिदा है गुरु रामदास बख्शन वाले बख्शिंद ने। अच्छा जेड़ा रामदास लफ्ज़ है ना, इहदी डेफिनेशन भाई नंद लाल जी ने फारसी विच दित्ती है। भाई साहब भाई नंद लाल कहिंदे राए भाव रामदास दा पहला रारा, ये अर्थ रखता है कि गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह अनंत बेअंत ताकतां दे मालक ने, वारस ने। उन्हां दा जिहड़ा शरीर है पावन, उहदे अंदर जो परमेश्वर की अगमी जोत है, जो हर जरे विच समाई हुई है, वो निर्गुण जोत ते गुरु रामदास सरगुण स्वरूप दोवें इक मिक ने। परमात्मा विच ते गुरु रामदास विच कोई फर्क नहीं है। कहिंदे मेरी नज़र हर शरीर दे विच जिस रूह नूं वेखदी है वह रूह गुरु रामदास दी है, हर अख दे विचला जिहड़ा नूर है वह गुरु रामदास है। गुरु ग्रंथ साहिब भी ते कहिंदे ने ना, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजन हार है धारिया। कहिंदे गुरु रामदास जो एक शरीर का नाम है, ये मुजस्मा अकाल पुरख ने बड़ा रीझ के तैयार किया, शरीर तैयार करके उसनू सवारिया सुंदर बनाया, फिर कहिंदे अपनी पूरी करामात लैके, जिहड़े कहिंदे करामात है नहीं वह अर्थ समझियो, अपनी समुची अजमत लैके परम ईश्वर आप सिरजन हार है धारिया, उस महल विच टिक गया, उस शरीर नूं अकाल पुरख ने धार लिया। हुण शरीर ते अपने सारिआं दे वी रब ने ही बनाए ने, पर थोड़ा जिहा फासला है। तुहाडे चों कोई ना कोई बिल्डर भी होवेगा, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करदा होवेगा, जिहड़े वड्डे बिल्डर होंदे ने ना, वह की करदे ने भी जिहड़ा मकान ते वेचना है मार्केट विच, उहनूं ते चलंत जिहा समान लाउणगे, सस्ती टाइल लाती, इट्टां लादियां, टूटियां टुट्टियां भज्जियां ला के कम नबेड़ के वेच दित्ता, ते जिथे आप रहना होवे ना उत्थे चंगा इटैलीयन मार्बल लाउणगे, चंगीआं टूटियां छूटियां लाउणगे, चंगे इंटीरियर डिजाइनर लाउणगे, चंगा सुहप्पण देणगे उस महल नूं, क्यों आप टिकणा है। इउं समझ लो भी आपानू ते रंचक मात्र समें च ही बनाया है परमेश्वर ने। ये ठीक है सभना विच उहदी जोत है, पर अपने खास वसेबे लई एक महल तैयार किया, उस महल का नाम गुरु रामदास है। फिर की होया जी, आप सिरजन हार है धारिया, उस शरीर नूं धारिया अकाल पुरख ने लोकाई नूं तारन दे लई। हुण उह अकाल पुरख का स्वरूप ने, भाई नंद लाल कहिंदे उह जोत स्वरूप भी ने, सरगुण भी ने, शब्द स्वरूप भी ने। सो हर शरीर विच मैनू रूह जो दिखदी है गुरु रामदास है, जो अखां दा नूर है वह गुरु रामदास है। अगे है रारे दे नाल कन्ना, ते फारसी दे विच अल्फ कहिंदे ने कन्ने नूं, ते व्याकरण है तुहाडे नाल जिहड़ी साझी कर रहा। हुण लफ्ज़ वरत्या है अलिफे, जिहड़ा गुरु रामदास पातशाह दे नाम विचला रारे दे नाल लगा होया पहला कन्ना है। इहदा भाव यह है भी गुरु रामदास दा जिहड़ा रुतबा है वह सब तो उच्चा है, और गुरु रामदास इकला ऐसी बुलंद हस्ती है जिहदे तुल दुनिया ते कोई ना होया है ते ना होवेगा। इनू भट्ट साहिबान कहिंदे ने श्री गुरु साहिब सब उपर, सब देवी देवते रहबर महापुरश आपां सारयां दा सत्कार करदे हैं क्योंकि हर धर्म की आपो अपनी मनौत है, पर कहिंदे गुरु का रुतबा सब तो महान है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इज सुप्रीम गुरु रामदास, उहदे तो वड्डा कहिंदे कोई नहीं है। अगले बचन ने भाई साहिब भाई नंद लाल दे, भाई साहिब भाई नंद लाल कहिंदे ने मीमे ममे नूं कहा है, रारे ना कन्ना ते फिर अगे ममा आ गया,
रामदास कहिंदे जिहड़ा मीम है ना मम्मे तो भाव यह है भी गुरु साहब सच्चे पातशाह उन्हां दा समुचा शरीर सीस तो लैके कदमां ताई पवित्रता दे सहित है सब नालों पाक है और समुची लोकाई गुरु रामदास की इज्जत करती है उन्हां दे अगे सिजदा सारे करते ने वो बड़े निर्मल ने उन्हां च कोई मैल नहीं है विकारां दी बाणी दा फुरमान है गुर दरियाओ सदा जल निर्मल मिलिया दुरमत मैल हरै गुरु बड़ा पावन है जेड़ा गुरु विच मिल जावे ना गुरु ओदी भी मैल हर लैंदा है सतगुर पाया पूरा नावण पशु प्रेतोह देव करै किन्ने क निर्मल हो जाओगे कहिंदे तुहाडे विच जेड़ी पशु बिरती है ना पशु बिरती की है काम क्रोध लोभ मोह हंकार अपना सुभा ऐसा क्यों है कहिंदे क्योंकि 84 लाख जूना विच ज्यादा पशु ही रहा है कीट पतंग ही रहा है पशु पंछी बनिया रहा है कई जन्म पए कीट पतंगा कई जन्म का जमीन कुरंगा 184 जोन भरमाया हुण लंबेरा समा जिहड़ियां जूना विच रहा है चम बदल गया मनुखा जामा मिल गया मन नहीं बदलिया मन ओही है हुण पशु का की सुभा है रज के चारा खावेगा ते जदों अपना चारा मुक जावे ते वह दूजे पशुआं नूं ढुड मारदा है उन्हां दा चारा भी खावेगा बंदे दा सुभा है अपनी किरत कर ली इकट्ठा कर लिया फिर मुरदार खाण दौड़दा है लोकां नाल पैसे पिछे लड़दा है जिवें पशु रज पुज के लेटे मारदा है बंदे दा भी सुभा ऐसा है रब दे गीत नहीं गाउंदा ज्यादा छकेगा फिर दलिद्र घेरेगा लिटिया रहेगा सौंके जन्म जाई गवावेगा ते जां पशु कामुक है काम बस होया पता नहीं कि वार कर दे औलाद पैदा करेगा बंदे का भी यही सुभा है काम बस होया जीवन बतीत कर दिता है अपनी स्त्री छड़ के गैर स्त्री वल दौड़ा स्त्री अपना मर्द छड़ के गैर मर्द वल दौड़ी है पशु वांगू इतने कामुक हो गए होश ना रही तो फिर जिमें ढुडो ढुडी होंगे ने पशु तो इदा ही लोग लड़ते हैं साडा फर्क की है पशुआ नाल भी पशु जड़े ने आवाज ते लाउंदे ने पर उन्हां कोल सोझी नहीं रब दे गीत गा सकण सानू उन्हें रसना दिती है रब दे गीत गाउण लई रब मिले नसात मिले 84 लाख जूना चों मुक्ति पाईए जदों नाम नहीं जप पाउंदे बाकी सारे कर्म अगे पशुआं वाले ने इनू कहिंदे ने करतूत पशु की मानस जात लत्तां दो ने करतूत सारी पशुआं वाली है बना बंदा दिता परमात्मा ने हुण गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने गुरु रामदास एडे निर्मल ने उन्हां दरिया रूप गुरु पातशाह अंदर जिहड़ा चुभी लावे ना उन्हां दी संगत करे उन्हां दी बाणी विच मन दा इशनान करवावे उहदी पशु बिरती उहदे विकार तुप जांदे ने उह देवता उह निबड़दा है उह महापुरश हो निबड़दा है प्रेत तों देव बन जांदा है अगे भाई साहिब भाई नंद लाल लफ्ज़ वरतदे ने दाले ददे नूं कहा जाता है रारा कन्ना मम्मा तीन अखर हो गए लगा मात्रा सने चौथा अल्फाज है ददा भाई नंद लाल कहिंदे ने ददे दा भाव ते ददे दे नाल लगे अल्फ कन्ने दा भाव दो कन्ने आउंदे ने ना नाम विच समझाउंदे ने सानू भी गुरु रामदास पातशाह ते रब दी जात इक है गुरु रामदास विच परमेश्वर सवाए ने ते परमात्मा विच गुरु रामदास समाया है सदा ओ इक मिक ने गुरु रामदास अपने निर्गुण स्वरूप दे पले नाल बजे रहिंदे ने बाणी चाहुंदा ना सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया अकाल पुरख ने अपना आप गुरु रामदास विच रख के लुकाई ते प्रगट कर दिता भी गुरु रामदास परमात्मा दा स्वरूप है अखीरले अखर ससा हुण रामदास विचला जिहड़ा ससा है ना उहदे बारे भाई नंद लाल परशियन विच कहिंदे ने सीने
आखिरी नश सर अफराजे हर बेकस वाबा दस्त गीरिये आजिजा हर दो आलम राबस। कहिंदे ऐ गुरु रामदास पातशाह तेरे नाम विचला सीने भाव ससा ये ऐसी अजमत रखता है उपदेश दिंदा है जितने भी दीन ने गरीब ने इत्थे कल्ले तन दी गरीबी नहीं है मन दी निर्माणता नूं गरीबी कहा है जो तेरे दर ते दीन हो गया निर्माण हो गया ससे तो पावै उन्हां दा सर बुलंद कर दिंदा है उन्हां दी गरीबी कट के उच्चियां उठा दिंदा है जे विकारां विचों नीवें ने सत संतोख दया धर्म बख्श के बुलंद हस्ती संत वाली बख्श दिंदा है तेरी ये अजमत है बाणी चाहुंदा ना सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दीन को राख लिया जे नहीं ना मां फड़दा ते समझ लई तू हरे दीन नहीं होया हरे अपने ते थोड़ा बहुता माण होगा भी मैं कर सकदा है जिस दिन मैं ना रही केवल तू रह गया गुरु रामदास रह गया कहिंदे ओ ऐसा दयालु है भावें तू कितना भी नीवा है कितना भी तू दुरकारिया होया है औगुणा दे सहत है गरीबी बस है निर्धन है गुर की दया ते मेरा वड प्रताप तेरा मरातबा बड़ा उचा हो जाएगा। गुरु रामदास कदम तले रुलन वालिया नू बुलंदी बख्शदा है। भाई नंद लाल कहिंदे ऐ गुरु रामदास तू दस्त गीरिए है दस्ता तू कहिंदे ने गीरिए दा मतलब पकड़ लेना तू ऐसी पहुंच दा मालक है जेडे कमजोर ने ना आसिसा दीन ने जेडे लोक विच दे मां फड़दा ही है परलोक विच भी तेरा जोर पैंदा है क्योंकि उत्थे तू निर्गुण स्वरूप है नरकां विच डुबदियां नूं भी बाहों पकड़ के कढ लैंदा है। लोक ते परलोक सुखेला उन्हां दा जेडे गुरु रामदास अगे दीन हो गए ते असी फिर ये नाम जेड़ा रामदास है पट साहिबान कहिंदे ये जपना है जेड़ा ये नाम जपेगा जेड़ा उदे गीत गावेगा फिर उन्हूं मिलेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने श्री गुरु सरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग भुगत दा मतलब है पदार्थ यही चाहिए ना जिंदगी बतीत करन लई तू सेवा कर गुरु रामदास दी शरण पैके तेरी झोली भर जाएगी पदार्था नाल मुक्त 84 लाख जूना तो मुक्ति चाहुंदे आ डिप्रैशन तो चिंतावां तो मुक्ति चाहुंदे आ रोगां तो मुक्ति चाहुंदे आ शरीर नवा नरवा चाहुंदे आ जिंदगी विचों विघना दा विनाश होवे चाहुंदे आ। कहिंदे गुरु रामदास इस लोक विच भी दुखां तो निजात दवावेगा ते जिहड़े परलोक दे दुख ने जो जमा दी मार है उत्थों भी गुरु रामदास निजात दवा दिंदा है। हुण आपां महाराज दे पावन जीवन वल वधदे हां भी इन्ने बुलंद रुतबे दा मालक गुरु रामदास ऐसी महान हस्ती गुरु नानक दे घर नाल जुड़ के हो निबड़िया बचपन वेखो ते बड़ा गरीबी भरिया मफलिश बड़ा दीना वाला जदों तुसीं उन्हां दे डेट ऑफ बर्थ बाबत पढ़ते हो आगाज प्रकाश बाबत पढ़ते हो 1591 विक्रमी संमत कतक वधी दूज महाराज लाहौर दी चूना मंडी प्रगट होए करमा वाली मां दया कौर है भागा वाला बाप बाबा हरदास है देवनेत जिहड़ी है ना बड़ी बुलंद है जो पांच भूतक शरीर विच आया है वो शरीर मिटेगा उस जोत नूं अगले पेंडे वाल चलना ही पवेगा थिरता नहीं है महल टिकिया रहन वाला नहीं है। पंथ प्रकाश ते बोल ने गुर इतिहास ते कहिंदे ने सोढ़ी हरिदास हरदासू दया कौर माता घर खासू ये परिवार का जिक्र हो गया
ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਜੋ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਭ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਕਾਲ ਬਿਤਾਇਓ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਰਪੁਰ ਮਗ ਲਇਓ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆਈ, ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਨਾਨੀ ਚੱਲ ਕੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਬੜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਨਾਨੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਛਾਬੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਆਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਨੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸ਼ਰੀਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਲੱਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਮਧੁਰ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛੋਲੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਕਰ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਹੋਕਾ ਦੇਵਤ ਮਧੁਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਕਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਲਏ ਹੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇਉਂ ਮੰਡਰਾਉਣਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਡਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਾਂਗੇ ਦਰਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਕੇ ਆਂਗਨ ਮੇਂ ਅਮੀਰੀ ਕਾ ਸ਼ਜਰ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਹਰ ਐਬ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋ ਹੁਨਰ ਲਗਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਾ ਵੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਗਣਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਂ, ਐਬੀ ਹੋਵੇਂ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੇ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਰਕਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਗੱਲਕਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਹਾਨ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਬਵੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਵੇ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਵੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਵੇ, ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਲੋਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੈ ਉਹ ਚਿੱਤ ਨਾ ਧਰੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੁਫਲਿਸ ਬੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਧਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਅਮੀਰ ਦੀ, ਅਮੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦਵਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਸਰਦਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ
फिर आए। किधरे अमीर नूं लोड़ पै जावे गरीब ताई, गरीब दा जाके बूहा खड़कावे ते गरीबड़ा बूहा खोलदा है, अमीर नूं हाथ जोड़ के अदब दवेगा भी आओ, टुटा भजा मंजा होवे ते उत्ते चादर कढ़ के विछावेगा भी बैठो, ये पैसे दा असर है। महाराज कहिंदे जो सरधन निर्धन कै जाए दिया आदर लिया बुलाए। ये सारी खेड माया दी है जो परमेश्वर ने रची है। पातशाह कहिंदे ने प्रभ की कला ना मेटी जाए, ये परमात्मा दी कला है, माया उसने प्रगट कीती और माया करके कई बार आपां वेख्या है इक्के मां दी कुख चों पैदा होण वाले दो भाई जे किधरे एक घर गरीबी होवे दूजे अमीरी, एक दूजे नूं बुलाउणा छड्ड दिंदे ने, पैसे दी खेड है सारी। हुण बाबा जेठा जी दे हालात ऐसे ने, गरीबी है, तन ते पुराना लिबास हुंदा है, पैरों नंगे हुंदे ने, हाथ विच घुंगड़ियां दा शाबा हुंदा है, शरीक ताने मेणे दिंदे ने। एक दिन नानी तंग आ गई तानिया मेणिया तो, गुटों फड़ लिया अपने फरजंद नूं दोते नूं, भाई हरदास दे अपने दामाद दे घर नूं ताला ला के चूना मंडी तो चली है बासरके वल नूं, किसे चाचे ताए ने नहीं रोकिया, किसे शरीक ने बाह नहीं फड़ी भी जेठिया किथे चलिया है, असीं पढ़ावांगे तैनू, रोजी रोटी असीं खवावांगे तैनू, जदों जवानियां माणेगा उदों कमाई कर लई। सारे खुश ने भी ठीक है, ताला लगा हरदास जी दे घर नूं। हुण मुश्किल ये है भी बासर के नानके घर भी गरीबी है ते नानी कली है, शाबा उही रहा, जगह बदल गई, कर्म वैसे ही। नानी घुंगड़ियां उबाल दवे, छोले उबाल दवे, बाजार वेच आउंदे ने, रस्त बस्त लैके भोजन छकदे ने, पर दया हिरदे विच बड़ी सी, कोई गरीबड़ा कोई मुफलिस कोई भुखा मिल जाना, दीन मिल जाना ते शाबा उहदी झोली पूदा कर देना। कवि संतोख सिंह जी ने गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे विच एक बचन लिखिया, कहिंदे एक सौ साध तिन लियो बुलाई, हमें देहो इउं गिरा अलाई। एक साधु मिलिया जिसनूं भुख लगी है, बाबा जेठा जी नूं कहिंदा मेरी भुख मिटाओ, मुठ घुंगड़ियां दी उहदी झोली पाउंदे ने, उह छक लैंदा है, कहिंदा भुख नहीं मिटी हजे भी, एक मुठ होर पाई, तीसरी मुठ भी पा दित्ती। अखीर जदों साधु कहिंदा भी राज नहीं आया ते शाबा ही मुदा कर दिता उहदी झोली विच। हुण फकीर सी, पैसा है नहीं है, उहने कुछ ना दिता, चुप चाप दया दे घर बाबा जेठा जी घर नूं चले गए। अज घर रोटी नहीं पकी क्योंकि कमाई नहीं हुई, रस्त कित्थों आवेगी, नानी कित्थों ले आवेगी, बचपन दे हालात ऐसे सन। पर सानू एक गल उन्हां सिखा दिती, जेड़ा सिख है ना सिख, वह गुरु नानक साहब दे चलाए लंगर दी प्रथा नूं, दसवंध प्रथा नूं जीवन काल निभाउंदा है। महाराज सानू एक दया दा पाठ पढ़ाउंदे ने, लख तू धर्म दे चिन्ह पहन लै, धार्मिक लिबास पा लै, क्योंकि हर धर्म दे अपने चिन्ह ने, अपना लिबास है, अपने धार्मिक ग्रंथ ने। कहिंदे जे तेरे अंदर दया नहीं है ते तू धर्मी नहीं बन सकता। धर्म काका है, दया मां है, जे मां ही ना होवे ते काका कित्थों जमेगा। धौल धर्म दया का भूत, सो दया दे विचों ही धर्म प्रगट हुंदा है, दया नालों वड्डा कोई गुण नहीं है। इसे दया चों जो गुरु नानक साहब ने सानू सिखाई सी, लंगर दी मर्यादा चली, सत संतोख दया कमावै यह करनी सार, कहिंदे सब तो वड्डा कर्म यह है। हुक्म की होया सानू, काल खाए किश हथों देहे नानक रहा पछाणै, से कहिंदे सिखा तू किरत करी वंड शकी,
चंगा पहनी चंगा हंडाई चंगा खाई पर अपनी किरत चो दसवंध जरूर कड़ी कोई भुखा मिले ते रोटी दे दई तन तो नंगा मिले ते लिबास लै दई कहिंदे जे लोकाई ते दया करेगा हर जरे च परमेश्वर नू पहचान लवेगा ते सच दा राह तैनू समझ ला लभ पिया सच की है खुदाया कहिंदे तैनू परमेश्वर मिलेगा तेरा जीवन सफला। भाई गुरदास कहिंदे इह साडे समय सिख इह सिद्धांत ते चलदे सन गुरमुख हथ सुकथ हन साध संगत गुरकार कमावे गुरु घर सेवा करदे सन फिर की करदे ने किरत विरत कर धर्म दी हथों देके भला मनावे किरत करदे ने फिर दसवंध कढ़दे ने आप गवाए ना आप गणावे फिर जेड़ा दसवंध कढ़दे सी कदे नहीं सी कहिंदे असी दसवां हिस्सा कढ़िया है यही कहिंदे सी पातशाह तू 100% सानू दिता है तेरे दिते चो दसवां हिस्सा तेरे चरणा च रख चले आ जे कोई लोड़वंद आवेगा कोई लंगर छक लवेगा। हुण आ गुरु घर दी गोल तुसी माया पाउंदे हो प्रबंधक इहदे नाल लंगर चला लैंदे ने किधरे लंगर लगदा है किधरे दवाइयां वरताईयां जांदियां है किधरे गरीब गुरबिआं नूं लिबास वी दे दिते जांदे ने। इह सिधांत है सिख जगत दा इह दया चों प्रगट होया है जिस देग करके खालसा प्रगट है वह दया चों ही देग प्रगट होई है खालसे की वैसे तेग भी दुनिया में प्रगट है और यह सिख हामी भरन असी कह सकते हैं भी अपने भांडे नूं आप सलाउंदे ने। मुसलमान अल्ला यार खां दे बोल ने पंज वक्त दा नमाजी पुरश कहिंदा है जिस रन में लड़ा बेसरो सामान लड़ा तू 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। ऐ गुरु गोबिंद सिंह तेरी तेग की ताकत ऐसी है जिथे तेरी देग नहीं मुकदी उथे तेग भी तेरी नहीं रुकदी जिथे दीन लई देग वरतदी है उथे दीन नू मिटाउण वाले सुलमो सितम ढाउण वालियां नू तेग वरताउणा है ते ऐसा बली है मुठ्ठी पर सिंग लैके लखां नू ढा लैंदा है। खालसा देग ते तेग नाल प्रगट है खैर दया चों देग प्रगट होई और बाबा जेठा ने बचपन तो ही यह गुण सानू दर्शा दिता भी मैं दयावान हाँ मैं लोड़वंदा दियां झोलियां भरन वाला हाँ। समा आया गुरु नानक दे तख्त दे तीजे वारस गुरु अमरदास बने पिंड उन्हां दा भी बासर के है वह गोइंदवाल साहब सोभनीक ने हुण देशां दिशांतरां तो संगत गोइंदवाल साहब जांदी है नजात हासिल करन लई मुक्ति हासिल करन लई गुरु दे चरण परसण लई बासर के तो संगतां चलियां नानी ने गुट्टों फड़िया दोते नूं बाबे जेठे नूं लैके वह भी बासर के आ गई। बाणी दा फरमान है नानक हुक्म चलाई है साहिब लगी रीत परमात्मा दे हुक्म विच जिथे जिथे दाणा पाणी है तुहानू उथे चुगण जाणा ही पैणा है। ये कोई अपनी मर्जी नाल देश विदेश नहीं वसदा दाणा पाणी खिच के लै जांदा है। बाबा जेठा जी गोइंदवाल साहब गए गोइंदवाल की तुलना गुरु ग्रंथ साहब ने गोबिंदपुरी नाल कीती है। हुण तुसी आखोगे गोबिंदपुरी की है सचखंड नूं कहा है जिथे गो बिंद वसदा है गो कहिंदे ने धरती नूं बिंद कहिंदे ने पालण वाले हुण जिहड़ा अकाल पुरख है वह अखां दा विशा नहीं वह निर्गुण है अजोत दिखदी थोड़ा है किसी नूं जो साडे समाई है उहदे दो रूप ने एक सरगुण है निर्गुण आप सरगुण भी उही 10 पातशाहियां गुरु नानक तो गुरु गोबिंद सरगुण ने शब्दावतार गुरु ग्रंथ साहिब ने। हुण जे निर्गुण नहीं दिखदा ते निर्गुण दे रहण दा महल भी नहीं दिखेगा वो किथे रहिंदा है सचखंड वसै निरंकार। हुण आपां इह भी तर्क कर सकते हैं भी जो दिखदा नहीं वह मन नहीं सकते ते जे पुछो जी ये शंका क्यों अखे असीं साइंस ते आधारित जीवन जींदे आ ते साइंस नहीं मानदी ते साइंस ते एक वड्डा तर्क खड़ा हो जांदा है उत्थे साइंस वाले भी गोडे टेक दिंदे भी हुण की करिए साइंस वाले कहिंदे साइंटिस्ट लोग वह कहिंदे ने जी रब दिखदा नहीं इसलिए मुनकर आ असीं उत्थे रब है नहीं है वाधू दे दावे ते जे इन्हां नूं पुछो भी बंदा काहदे तों बणिया कहिंदे एक एनर्जी है
ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਇਕੱਠ ਵੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨੂੰ ਐਟਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਟਮ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀਵਾਣੂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੈੱਲ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਰਕ 'ਤੇ ਤਰਕ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ। ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਨੂੰ। ਤੋੜੋ ਖਾਂ ਫੁੱਲ, ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਾਮੇ ਦੇਖ ਨਾਰਾਇਣ ਹੱਸੇ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਛੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਨਮੁੱਖ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਸੱਚਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ, ਤੇਰਾ ਖੰਡ ਸੱਚਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਗੋਚਰ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾ 'ਚ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਗੋਸਟ, ਬੜੇ ਭੂਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਗੁਣ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਭੱਟਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਦੈਟ ਟਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟ ਲੋਰਡ, ਹੀ ਕੇਮ ਇਨ ਟੂ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਸਰਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਵਰਗਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ, ਗਯੋ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਬਰਖਨ ਕੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਰਗਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟੇਗਾ, ਰੋਗ ਮਿਟਣਗੇ ਤਨ ਦੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੋਗ ਮਿਟੇਗਾ ਮਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨੀ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਤਣ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਬੱਝਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੱਤਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੱਤਣ 'ਤੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਨਿਤ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਦੋ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਵਿਆਹੁਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਲਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲਾਇਕ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ते गुरु अमरदास दे गलुए मुबारक चों बोल प्रगट होए इस वर्गा ते फिर यही है, दूजा कोई नहीं है। इतिहास दे बोल ने पंथ प्रकाश विच ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते ने कहो अयाहे सम यही है और नहीं जग कोए, शगन शगाई दे तब पुन विवाह दिए सोए। कहिंदे इहदे वर्गा इह शगन लगा बीबी भानी नाल विआह कर दिता गया। हुण मैं घर दा माद हाँ ये रंचक मात्र भी जहन विच सोच नहीं लियांदी। बाबे जेठे ने जानदे ने दुनियावी रिश्ते नालों ब्लड रिलेशन नालों परिवारक संबंध नालों गुरु का संबंध अपने सेवकां नाल वध के है। जे गुरु नूं खुश करना है तो सेवा करनी पवेगी, चाहे कोई दिलबंद है, फरजंद है, दामाद है, पुत्र धियां ने, सेवा वाले नूं ही सफलता है। हुण माता भानी बचपन तो ही गुरु अमरदास जी की सेवा करते ने, बजुर्गां दी करदे ही ने ना बच्चे, गुरता गद्दी ते बहण तों बाद ते करनी करनी है। मिलदा की है? कहिंदे सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए। अत सुखाली दा भाव है अत दा सुख देण वाली, हर प्रकार दा सुख देण वाली है। जो भी तुहाडी इच्छा होवेगी योर ऑल डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड, कहिंदे कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी जे गुरु की सेवा करोगे। खैर बाणी च एक जगह होर आउंदा है सकियत ते नर जालप भणै गुर अमरदास सो प्रसन्न जेहे, जिन्हें सेवा करके गुरु अमरदास नूं खुश कर लिया उहदा जीवन सफला हो गया। सेवा च लगे बाबा जेठा जी बौली साहब बन रही है। तुसीं एक वचन सुनिया होना भी जेड़ा बौली च इशनान करे ना गोइंदवाल उहदी 84 कटी जांदी है, जे 84 पौड़ियां ते 84 जपजी साहब दे पाठ करे। अच्छा कोई गैर सिख इस गल का खंडन करे तो मन सकते हैं जी, उन्हां दा अपने धर्म विच अकीदा है, सिखी च नहीं। साड़ी मुश्किल यह है लिबास भी साडे वाला ही पाउंदे ने, रूपरेखा भी सिखां वाली, स्टेज भी प्रबंधक अपनी दिंदे ने सिखां दी, और स्टेज ते बह के करनगे ना जी ते वादू दीआं गल्लां, मुक्ति की हुंदी है? इदां कहिंदा गोइंदवाल कोई मुक्त होवेगा? गुरु च शक्ति नहीं, गुरु आम इंसान है। ना मूर्खां ध्यान नाल बाणी पढ़ी नहीं है, जे पढ़ी हुंदी ते संगत नूं जोड़दे ना के तोड़दे। जदों मैं तुहानूं रोज स्टेज ते बह के आखूं भी गुरु च करामात ही नहीं है, गुरु कुछ दे ही नहीं सकदा, तेरे रोग नहीं दूर करदा, सोग नहीं हरदा, ते तूं एक दिन हाथ जोड़ देने भी गुरुद्वारे अंब लैण आउणा मैं, जे गुरु मेरी झोली नहीं भर सकदा। ते फिर कहिंदे जी देह धारियां नाल लोक जुड़ गए ने, जुड़ना ही है। जदों तुसीं खुद खुदा दे दर ते बह दें कह देंदे हो बह के भी गुरु दे पले कुछ नहीं है, तो लोगों ने फिर की लैण आउणा है? बाणी दा कदे फुरमान ध्यान नाल पढ़ी की गुरु अमरदास मुक्ति दिंदा है? महाराज कहिंदे ने गुर अमरदास परसी है ध्यान लही है पौ मुख है, गुर अमरदास परसी है अपौ लभै गौ चुक है। जिन्हें गुरु अमरदास परसिया समझो अकाल पुरख की सेवा कर ली, उहदा कहिंदे ने गौ चुक है, आवागमन मुक गया, उहदी 84 कटी गई। जेड़ा गुरु अमरदास दे दर की सेवा करेगा, ऐसी महानता है गुरु अमरदास दे दर की। अपौ लभै प्रेम नाल परमात्मा लभ जांदा जेड़ा किसी नूं मिलदा नहीं है। खैर हुण सेवा नाल तख्तो ताज मिलने ने, बौली की सेवा चले तो जिमें संगत सेवा करे उदा ही घर दमाद सेवा करता है। बाबा जेठा सिर ते टोकरी है मिट्टी की, लिबास मिट्टी नाल लिबड़िया है, वो जेड़ियां मखियां उड गई सी ना जदों मिठा मुक गया सी, पैसा मुकया तो रिश्तेदार दौड़ गए सी, अज वो वापस आ गए ने। वापस इसलिए आए ने भी साडा फरसंद साडा दिलबंद हुण वड्डियां नालों दी सांझ बन गई है, हुण सोढ़ियां दा रिश्ता भल्लियां नाल जुड़ गया है। वो कहिंदे चलो मिली आईए, गुरु नानक कुल कायनात दे मालक दे घर नाल सांझ पै गई है साडी। गोइंदवाल साहिब आए, महाराज का हुक्म है पहले पंगत
पासे संगत लंगर छकिया। लंगर छके गुरां दे कोल आए, एक बार भी सिर नहीं झुकाया। कारण यह है भी असी मुंडे वाले ते कुड़ी वाले ए मुछां नूं ता दे के खलोते ने। बापू नूं कहिंदे धूल संग शादत सरबंगा, बस्तर मलीन कुठंग कुरंगा, कहियो सबन कुल लजया खोई, कर ससुरार मित्र का ढोई। कपड़े लिबड़े वेख के, मिट्टी का टोकरा वेख के कहिंदे ओए सोडियां दा काका, सोडियां दा फरजंद ते धोवे सहुरियां घर मिट्टी। सेवा भावना का इन्हां पता कोई नहीं, जात का हंकार पैसे का हंकार इन्ना सी। लाज ला दिती है तू साडी कुल नूं, नक वढ़ा दिती है तू सोडियां दी। कहिंदे गुरु अमरदास कार अनुचित आपने दीन, लाज कुटंब ना तुमने चीन। ये ते बच्चा है, तुसी ते समझदार सी ना, घर दा माद सी तुहाडा, सोडी वंश दा फरजंद सी, ते तुसी कोई चंगा कर्म ही करवा लैंदे, क्यों मिट्टी पा रहे हो इहदे सिर विच। इहने लाज लाई है सानू। गुरु रामदास सिर चुका के खलोते ने, टोकरा रख के हाथ जोड़ के बेनती कीती, महाराज जात दा वरण दा पैसे दा माण है, इन्हां नूं कोई बचन ना कढ दिओ, इन्हां नूं बख्श दिओ, मेरा परिवार है। गुरु अमरदास पातशाह रौं विच आके कहिंदे सोडियो गल सुनो, तुहानूं की लगदा है वी इहदे सिर ते मैं जिहड़ा मिट्टी दा टोकरा चकाया है, इह कोई बुरा कर्म करवाया है, इहदी सेवा, इहदी भावना, इहदा सजदा, इहदा सिर निवाउणा गुरु दे अग्गे सफला हो गया। जिहनूं तुसीं मिट्टी दा टोकरा समझदे हो, तिन्नां लोकां दा छतर चलाया है जेठे दे सिर ते मैं। जिहनूं तुसीं एक कटा मिट्टी समझदे हो ना, बस्तर लिबड़े ने, इउं समझ लो एक केसर दे छिटे ने। एक गल होर सुन लवो, तुसीं हंकार कीता है, जिस मन दे भांडे विच हंकार होवे उत्थे रब नहीं टिकदा, इहनूं छतर मिलेगा। अमरदास अमृत छतर गुर रामह दियो, तुसीं हंकारी हो तुहानूं नरक मिलना है। वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, जिहड़े मन दे भांडे विच हंकार होवे उत्थे रब नहीं टिकदा। जिथे रब ना होवे उत्थे सचखंड खुस गया, उत्थे नरक है। नरकी तुहानूं पाउणा सी सोडियां नूं, कर्म चंगे ने तुहाडी वंश विच जेठा पैदा होया, और इस भाई जेठे ने साडे अगे हथ जोड़ के तुहानूं रख लिया है अज, ते रहिंदी दुनिया तक इस बाबे जेठे करके सोडियां दा नाम प्रगट रहेगा। बाणी दा फुरमान है, बोहे थो विधत है निर्मयो सब संगत कुल उदरण, गुर अमरदास कीरत कहै त्राह त्राह तुव पा सरण। जेड़ा हाथ जोड़े उन्हों बख्श दिंदा गुरु अमरदास, कहिंदे इन्हें सेवा करके मैनू वस कर लिया है, और इसे सेवा करके गुरु नानक दे तख्त दा चौथा वारस मैं इनू थापिया। इहदा नाम रखिया सी जेठा घरदिया ने, ते जेठे दा मतलब है बुलंद, वड्डा, समर्थ। जाओ अज तो रुतबा भी इहनू गुरु नानक दे तख्त दा सब तो बुलंद मैं बख्श दिता। गुरु नानक दे दर दे चौथे वारस बने, किवें बने, हुक्म रजाई जो चलै सो पवै। खजाना जिहड़ा हुक्म विच चलदा है उही खजाने विच पैंदा है। 1631 बिक्रमी भादरों सुधी त्रौदसी बाबा जेठा गुरु रामदास बने। एक जोत शरीर चाहे लैदा ने, जोत ओहा जुगत साई सहकाया, फेर पलटी है हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। सोडियां दे बाबा रामदास नूं गुरु नानक दा वारस थापिया गया, अपने हुंदियां गुरता गद्दी बख्शी, और समुची लुकाई नूं चरणां विच बिठा दिता। सब सिख बंदप पुत भाई रामदास पैरी पाया, चरणां नाल ला दिता राज जोग तख्त दीयन गुर रामदास। राज जोग दे तख्त दा वारस बनाया। ये केदा तख्त है? कहिंदे प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन, मनुख जन कियो
प्रगास खुदा गुरु नानक बन के मनुखता नूं तारन लई प्रगट सी। उहदे तख्त दा वारस बाबा रामदास बनिया, अमृत सरोवर बनाया गुरु अमरदास दे हुकम विच। गुरु का चक स्थापित किया जिहदा नाम गुरु अर्जन साहब ने रामदासपुर रखिया, सरोवर करके अमृतसर हो निबड़िया। मैं एक बचन कह के फतेह बुलावा। देखो सब गुरधामां दा अदब ते सत्कार, पर क्यों हरिमंदर साहब की महिमा अपरंपार है। कहिंदे डिठै सबै थाव नहीं तुद जिहिया, क्यों जी वधो पुरख विधाते तां तूं सोहिया। क्योंकि गुरधाम तीरथ साधुआं संतां संगतां ने बनाए हुंदे ने, पर हरिमंदर साहब खुदा ने आप गुरु अर्जन गुरु रामदास बन के विधाता ने बनाया है। गुरु अर्जन प्रतख हर गुरा ने बनाया है। और याद रखियो, एक बन्ने लाहौर की चूना मंडी वल ध्यान मारियो, तो दूजे बन्ने ध्यान मारियो हरिमंदर साहब वल, बाबे रामदास वल। बाणी कहती है श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तय हर परम पद पायो। ऐ गुरु रामदास जय जयकार है तेरी। लोग कहिंदे हुंदे सी चूना मंडी वाले बाबे जेठे नूं वेख के ए विचारा अनाथ है, ए जतीम है। अज वेखो खां थोड़ा जिहा ध्यान मार के, जिसनूं जतीम कहिंदे सी उहदा दर हरिमंदर साहिब लखां जतीमां दा आसरा बनिया होया है। जिहड़े कहिंदे सी ना ओ गलियां दे विच चूना मंडी लाहौर बाबा जेठा नंगे पैरी तुरिया फिरदा है, अज वेखो गुरु रामदास दे दर ते हरिमंदर साहिब लखां दे गलीचे विछे होए ने कदमां तले, ते सैकड़े राजे कदम बोसी करदे ने कदम चुमदे ने उहदे। इत्थे लोक कहिंदे सी विचारे जेठे दा घर है नहीं है, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਠੀ ਪਹਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਜੇਠੇ ਨੂੰ, ਜਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੀ ਅੱਜ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਬਾਬੇ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ अपने पिता दे घर नूं ताला ला के बासर के गया सी बाबा जेठा। मैं समझदा हाँ ताले तो इन्नी नफरत हो गई बाबे जेठे नूं, किधरे गुरु रामदास दे घर हरिमंदर साहब जाई 24 घंटे ही तन की खुराक लंगर, मन की खुराक कीर्तन चलता है, उहदे घर नूं कदे जिंदरा नहीं लगता। यह बाबे रामदास की खेड है। नूं बाणी कहिंदी है प्रतख देहे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरणं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणन। खाली ने ना जेड़े जेड़े हरिमंदर साहब गए गुरु रामदास की कदम बोसी की, वह भांडे भर गए, मन की झोली बाणी नाल, तन की झोली पदार्था नाल भर गई। काहे कहा परवाह काहू की जाकै बसीस धरियो गुर हथ। जेदे सिर ते गुरु रामदास का हथ है ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਮਿਟਣਗੇ। ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਰਣੇ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਗੁਣ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ? ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ निरंकार है तिस जेवड़े अवरना कोई, पोथी परमेश्वर का थान सब सिखन को हुक्म है। गुरु मान्यो ग्रंथ इथे विचार नूं दा संकोचदा है।